अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ फालसी का शरबत। तो मैंने फालसों को अच्छी तरह धो के और मैंने ग्राइंड कर लिया था। बहुत से लोग जो हैं पहले बॉईल करते हैं, फिर उसको छानते हैं और उसके बाद फिर पीसते हैं, तो वो डबल डबल मेहनत हो जाती है। इसलिए मैंने पहले उसको ग्राइंड कर लिया, उसको छान लिया, उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो अच्छे से इसके अंदर बॉईल आ गया है तो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो पहले मैं 1 कप चीनी ऐड करूँगी, 1/2 कप और डालूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं अब इसको लो फ्लेम पे ढककर रख दूँगी पकने के लिए। अच्छे से हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद हमारा ये जो सिरप है गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद हम एंड में जो है इसमें काला नमक ऐड करेंगे। तो चलें हम वेट करते हैं इसके पकने का। अब मैं इसमें काला नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून, साथ में ऐड करूँगी मेरे पास द फूड कलर रेड, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो जो इसका रियल कलर है आप वो भी छोड़ सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लेंगे और इसको किसी जार में भर लेंगे। तो ये 1/2 घंटा मैंने और पका लिया है और अब मैं इसका फ्लेम जो है बंद करके इसको ठंडा कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये हमारे फालसे का शरबत जो है वो रेडी है। जब मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये हम सेव कर सकते हैं, इसको हम फ्रिज में रख लेंगे और जब दिल करे गर्मी में आप बनाएं और इन्जॉय करें। तो मैं जब बनाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक।